ತಿರುಪಾದ್ಭದ್ಮ ನಿಕಲಿಲಾ ಪ್ರಭುಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಇಷ್ಟೋತ್ತರ ಸದಸ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀರು ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಚರಣಕಮಲವೇ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾಮ. ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಮಧ್ಯ ಸಿಖ್ಯಾ ತಿರುಪಾದ್ಭದ್ಮ ನಿಕಲಿಲಾ ಪ್ರಭುಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಇಷ್ಟೋತ್ತರ ಸದಸ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿತಲಿಲಾ ಪ್ರಭುಶಿಲ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲ ಬಾಮನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ವೈಷ್ಣವ ವೈಷ್ಣವಿ ಸರೀ ಕವಿ ಲತಾಜಿ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಅಭಿ ಅಭಿ ಪರಿಕ್ರಮಾ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಅಭಿ ಜಹಾಂ ಪರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹುಏ ಹೈ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ನೆ ಶ್ರವಣ ಕಿಯಾ ಯೇ ಅಪರಾಧ ಭಂಜನ ಪಾ ರಹೇ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪರ ಆನೆ ಪರ ಸಾರೆ ಹಮಾರೆ ಅಪರಾಧ ದೂರ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಜೋ ಮಹಾಪ್ರಭು ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ಜೋ ಧಾಮ್ ಯೇ ಅವಿರ್ನ ಹೈ ಜೈಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಮೇ ಅಗರ್ ಇಸ್ನೆ ಕುಛ್ ಅಪರಾಧ ಕಿಯಾ ಹೈ ಜೈಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜೀ ನೆ ಅಪರಾಧ ಕಿ ಇಂದ್ರ ಭಿ ಅಪರಾಧ ಕಿ ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ ಲೋಗ್ ನೆ ತಪಸ್ಯಾ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಉನ್ಹೊನೆ ದರ್ಶನ ಕಿಯಾ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಹೀ ಪರ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಗೌರ ಹರಿ ಯಹೀ ಪರ ಜನ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಕರೆಂಗೆ ಔರ್ ಜನ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಉನ್ಹೊನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವ ಕೊ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ರೂಪಿ ಬಾಳ ಮೇ ಉನ್ಹೊನೆ ಸಭಿ ಕೋ ಬಾಯ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಸಿ ಅವತಾರ ಮೇ ಬೋಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ತಾರೆ ನಾ ಮಾರಿಲ ಎಬ್ಬೆ ಅಸ್ತ್ರ ನಾ ಧರಿಲ ಯೆ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಸ್ತ್ರ ಭಿ ಧಾರಣ ನೇ ಕಿಯಾ ಇಸ್ ಪರ್ ಜಾನ್ ಸೇ ಉನ್ಹೊನೆ ನಹಿ ಮಾರೆ ಹೈ ಉನ್ಹೊನೆ ಜಾನ್ ಸೇ ಉನ್ಹೊನೆ ನಹಿ ಮಾರೆ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಮಾಧಾರಿ ನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕಾ ಸರ್ ಭಿ ಕೋಟ್ ದಿಯೆ ಬೋಲೆ ಭಯ್ಯಾ ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನಹಿ ಮೇರೆ ಜೀ ಕಲ ಸಿರ ಕಾನಾ ತಾಯಿ ಬೋಲಿ ಕಿ ಪ್ರೇಮ ಭಿ ಕರ್ತಿ इसलिए कोई चिंता नहीं, भले ही तुमने मेरे सर को फोड़ दिया फोड़ दिया, इसलिए क्या मैं तुमको प्रेम नहीं दूंगा, इसलिए एक बार मेरे प्रभु श्री सचिनंदन गौर हरि का एक बार तुमने नाम ले लो. बोले श्री सचिनंदन गौर हरि, इसलिए ये जो धाम है महाप्रभु से अभिन्न ये धाम है. जैसे महाप्रभु किसी के अपराध को नहीं लिया, उन्होंने सभी को प्रेम प्रदान किया, उसी तरह ये धाम भी ठीक वैसे सिद्धांत. इसलिए ये जो मंदिर है हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जिस समय किसी कारण से उन्होंने मंदिर से निकल कर उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने यही पर उन्होंने ये मंदिर को स्थापित किया. इसलिए ये स्थापन करते हुए इसका नाम उन्होंने क्या रखा, बोले गौरी और वेदांत समिति. और सन्यासी का नाम क्या रखा, भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज तिरुक्रम महाराज, भक्ति वेदांत वीरेंद्र महाराज, माधव महाराज और श्री परिप्राज, सब उन्होंने वेदांत 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 नाम रखा उन्होंने. और उनका नाम भी क्या है, बोले भक्ति प्रज्ञान श्री केशव. इसलिए हर आचार्य में एक एक वैशिष्ट होता है, इनकी अंदर में बड़ी फिलोसफर्स है. इसलिए इनकी सारे चीज को देखोगे सब फिलोसफी सब फिलोसफी फिलोसफी है. इसलिए इनका नाम भी भक्ति प्रज्ञान. प्रज्ञान मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा रूप में ज्ञान. बोले प्रतिष्ठा रूप में ज्ञान क्या है, बोले ज्ञानों में परम गुहम जन विज्ञान समन्वितम सह रहस्यम च तदगत गृहाणाम गदितम मया. जिस समय प्रेम भक्ति को साथ में श्री केवल ज्ञान स्वरूप कृष्ण है, लेकिन विज्ञान स्वरूप जब श्री ईश्वर जी के आधार को साथ में हुए और परम गुह ज्ञान और तदगत तुमने इतना नहीं, जब अपना परिकर सखियों को साथ में हो तभी वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान है. इसलिए इनका नाम श्री भक्ति प्रज्ञान नाम है. इसलिए उन्होंने भक्ति वेदांत वेदांत अभी परिक्रमा जी महाराज बोल रहे थे ना, सारे मंदिर में देखो कृष्ण काले मूर्ति, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने यही पर उन्होंने इसे ठाकुर जी को सफेद मूर्ति में स्थापित किया. कुछ गौरी वैष्णव लोगों ने दृष्टि जाए की जान लो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज लगता है पैसा ज्यादा है, इसलिए काला मूर्ति थोड़ा ज्यादा पैसा, सफेद मूर्ति थोड़ा कम पैसा, इसलिए उन्होंने सारे मंदिर में उन्होंने सफेद 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 मूर्ति उन्होंने स्थापित कर दिया. जब उन्होंने बोले फिर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने एक विनोद बिहारी अष्टक उन्होंने लिखे, इसी को ऊपर जो विनोद बिहारी अष्टक उन्होंने लिखे, क्या अद्भुत अष्टक है. उनका हृदय कितने प्रेममय है, इनकी हृदय कितने रसयुक्त है और उनका हृदय कितने महाप्रभु का प्रेम डूबा हुआ. अगर आप अष्टक को पढ़ोगे क्या फिलोसफी, उन्होंने दिव्य फिलोसफी उसका अंदर में उन्होंने प्रदान किया भक्ति प्रज्ञान शिल केशव गोस्वामी महाराज. इसलिए उन्होंने जो भक्ति वेदांत 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 नाम दिए,
कुछ लोग भी यही से बोले क्या इसी भक्ति वेदांत कि साधारण लोग को पता ये वेदांत किसका ग्रंथ है, बोले ये मायावादी लोग इसको वेदांत कहते हैं, बोले नहीं इसका नाम है वेदांत, वेद का जो अंत है, बोले वेद का अंत क्या है, बोले निगम कल्प तरु फलितम फल, बोले वेद की कल्प का फल क्या है, बोले श्रीमद भागवत है, बोले भागवत का सार क्या है, बोले दशम स्कंध, बोले दशम स्कंध का सार क्या है, बोले रास पंचायत, रास पंचायत में सार क्या है, बोले श्रीमती राधा रानी, इसलिए जब श्रीमती राधा रानी रास छोड़ करके मालिनी होकर के चली जाती है, उसी समय में जिस समय गोपियां ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते जब श्याम सुंदर के दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी प्यारी को एक चरण चिन्ह देखा, वहीं पर वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं ये जो श्लोक है जैसे दोनों पक्ष में जो लड़ाई हो लेकिन जिसका विजय होता है ना वो संघ निनाद करता है, उसी तरह कभी यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं भगवान हरीश्वर यद्यपि वहां पर चंद्रावली के पक्ष तटस्थ विपक्ष स्वपक्ष सबके सब थे लेकिन श्याम सुंदर गए तो किसको लेकर के गए हैं, बोले हमारी श्री राधा रानी को ये लेकर गए हैं, इसलिए रास का सार क्या है, बोले श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए ये गौड़ीय वेदांत समिति का मतलब होता है वेद का सार है, श्रीमद महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में जो अनर्पित चरित्रार्थ जो प्रति भक्ति करने के लिए आए, ये जो वेदांत शब्द है, जो वेदांत वेदांत जो नाम है, सचमुच से ये वेदांत का तात्पर्य जो जो जानते हैं वो वेदांत बोलते ही वो उन्नत उज्ज्वल रस की यहाँ पर प्रतीत होता है, इसलिए तीन जो विग्रह वो तीन विग्रह नहीं वो सबके सब एक भाव में विभाजित है, श्री ईश्वरी की राधा रानी की का रंग गोरी है लेकिन उसी भाव से कौन है, कृष्ण उसी भाव से गोरे हैं, क्योंकि कली युग में कृष्ण स्वयं गोरे और चैतन्य महाप्रभु गोरे, मतलब क्या है, कृष्ण स्वयं जब गोलक वृंदावन में गए तो उन्होंने देखा सारी चीज को मैंने आस्वादन की लेकिन एक चीज को मैंने आस्वादन नहीं कर पाया, क्या है, राधा प्रणव महिमा की दृश्य, राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, उनका अंदर में जो दिव्य चमत्कार का प्रेम की जो दिव्य जो चमत्कार का वो चीज क्या है, इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव अमृता में लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, वो तीन नहीं केवल एक श्री राधा रानी के भाव में विराजित, ये जो मंदिर स्थापन किया महाराज बता रहे थे जब हम गेट में प्रवेश करते बड़े खुले से निकाले, जब गेट में प्रवेश किया उसको ऊपर देखना लिखा हुआ नरहरि तोरण, बोले क्यों ये नरहरि तोरण नाम क्यों दिया, बोले कारण है प्रभुपाद का जो सेवक थे वो नरहरि प्रभु थे, इसलिए यहाँ पर शिक्षा दिया अगर भक्ति जगत में प्रवेश करना चाहते हो कैसे प्रवेश करोगे, बोले जस देवे पराभक्ति जैसा देवे गुरु, कभी कभी हम कृष्ण को ज्यादा महत्व देते, बोले नहीं जथा देवे पराभक्ति जैसे तुम्हारी देवता में पराभक्ति उसी तरह गुरु जी में भी उससे ज्यादा होनी चाहिए, तीन तरह का भक्त में जो उत्तम भक्त है जितने कृष्ण के प्रति तुम्हारी भावना उससे ज्यादा गुरु सेवा में निष्ठा होनी चाहिए, जब तक गुरु जी की सेवा में तुम्हारी रुचि नहीं गुरु जी का प्रति भक्ति नहीं भक्ति अगर तुम प्रवृत्ति नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम रख दिया नारायण त्वरण और उसको ऊपर लिखा हुआ परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन, मतलब क्या गुरु जी को चरण सेवा करेंगे लेकिन जो कलयुग में जो परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन महाप्रभु कलयुग में जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे प्रवेश हरि नाम को पूरा करना पड़ेगा, उसको पास में अपने छापा जाना को क्या वैकुंठ सब आता वह गोलोक वृंदावन से जो मैसेज है उसको उन्होंने छापा लगा नाम दिया, इसका नाम क्या दिया अपने नाट मंदिर जहाँ पर नित्य हरि कीर्तन हो सदा हर समय जहाँ पर हरि कीर्तन हो, और जो मंदिर का जो स्थापन किया उसमें भी अद्भुत उन्होंने दिखाया नौ चूड़ा मतलब क्या नव भक्ति की स्थापना किया है, चार संप्रदाय आचार्य को स्थापन किया, बोले क्यों बोले संप्रदाय विनाज मंत्रास्ते विफला मता
अतः कलो भविष्य चतवार संप्रदाय में जब तक किसी वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर भजन नहीं कर तब तक भजन में प्रवेश नहीं, उसको पर बंसी लगाए। बंसी मतलब क्या, जैसे कृष्ण बंसी ध्वनि को द्वारा त्रिजगत माना सकार सिंगुलर निकल गुंजित, जैसे बंसी ध्वनि को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण भक्ति रूपी नाशे दे दो, विश्व ब्रह्मांड में जाओ और अंतिम उसी तक उसी जगत में जिधर गैया है उसका नाम गोवर्धन स्थान दिया, और जो दक्षिणी दिशा में मैंने पायखाना पायखाना उसका नाम क्या था, ज्ञान खाना। ज्ञान का मतलब क्या है, यदि जो ज्ञान है जो लोग भगवान की भक्ति छोड़ करके जो ज्ञान मार्ग में जाते हैं इसलिए उन्होंने रखा उसने पायखाना का नाम रखा ज्ञान का मतलब मुक्ति, इसलिए जो मुक्ति को उन्होंने रख दिया ज्ञान का है, मतलब जो मुक्ति तरफ में जाते हैं इसलिए कभी कभी स्थापन करते हो जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म कहते हो वो पायखाना है। बोले क्यों, बोले जिसका नाम नहीं कौन नहीं मिला नहीं तो पायखाना ही इसलिए उन्होंने उस चीज को उन्होंने स्थापन करके उन्होंने इसलिए उन्होंने मायावादी जीवन एक ग्रंथ एक अद्भुत ग्रंथ लिखा। इसलिए जो मंदिर है और उस तरफ जो गेट था ना मदन मोहन गेट, मतलब क्या अगर गुरु जी की सेवा के द्वारा प्रवेश करोगे ना, लेकिन जब निकलोगे किधर से निकलोगे, लता साहब आदि दूसरा सौरी स्मय मान मुखाम पीताम्बर घर सार की साक्षात मन्नत मन्नत, अगर तुम गुरु जी की सेवा में प्रवेश करते हुए सेवा करके तो एक दिन प्रभु का दिव्य रास में प्रवेश होकर के दिव्य रस का आस्वादन करोगे। इसलिए अद्भुत रूप में उन्होंने ये मंदिर बनाया। इसलिए यही पर एक सब बैठ लेते भक्ति प्रज्ञा के सब स्वयं नारायण स्वामी तिक्रमा, किसी ने आगे बोला महाराज जी आप इतना सुंदर जागा थोड़ा फूल क्यों नहीं लगाते, दिखने के जो फूल यही तो फूल है, वो कहते थे साधारण फूल का पुष्प कितना दूर तक जाएगा, दो दिन बाद में मुरझा जाएगी थोड़ी दूर तक, लेकिन ये जो फूल है ना एक दिन इसकी खुशबू केवल भारत में नहीं संपूर्ण पृथ्वी में इसको खुशबू जाएगी। सचमुच से उसमें हमारे श्रीला भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज थे वहां पर, उसी समय में ही मैंने बताया था ये फूल की खुशबू केवल भारत में नहीं हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी के आचे जत नगराधि का सर्वत्र प्रचार अभिनय करना, एक दिन ऐसा आएगा सबके सब प्रसन्न होकर के निताई